देहरादून से खबर है, महिला ने प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या कर दी। आरोपी पत्नी ने पति पर चाकू से कई बार वार किया। पुलिस ने प्रेमी संग आरोपी पत्नी को गिरफ्तार किया। राजपुर क्षेत्र के बक्का वाले इलाके की यह वारदात है। पत्नी ने पति पर चाकू से कई बार वार किया और प्रेमी संग फरार हो गई। देहरादून में क्रिकेट खिलाड़ियों के साथ अश्लील ऑडियो वायरल होने के बाद से कोच नरेंद्र शाह की गिरफ्तारी की तैयारी हो रही है। पुलिस का कहना है कि नरेंद्र शाह की तबीयत में पहले से काफी सुधार है, इसीलिए जल्द ही उनसे पूछताछ की जा सकती है। आपको बताया, नरेंद्र शाह महिला खिलाड़ियों के बीच बातचीत का एक ऑडियो वायरल था, जिसमें वो महिला खिलाड़ियों के साथ अश्लील बातें करते सुनाई दे रहे थे। हालांकि अभी तक ऑडियो की पुष्टि नहीं हो पाई है। पंजीकृत हुआ था थाना नेहरू कॉलोनी में, जिसमें कि जो 354 में और पोक्सो में, इसके अलावा जो है SC ST में मुकदमा पंजीकृत था, जिसकी विवेचना जो है क्षेत्राधिकारी द्वारा की जा रही है। तो जिसमें विवेचनात्मक कार्रवाई है वो उनके द्वारा की जा रही है, जिसमें कि पीड़िता के बयान लेना और उसके बाद ही अग्रिम वैधानिक कार्रवाई उनके द्वारा की जा रही है। और उत्तराखंड में बारिश की वजह से फसलों को काफी नुकसान हुआ है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए हैं। सीएम का कहना है कि नुकसान की रिपोर्ट आने पर मुआवजा देने की कार्रवाई होगी। पिछले 24 घंटे में काफी तेज बारिश कुछ स्थानों पर हुई है, जिससे किसानों की फसलों का भी नुकसान हुआ है, विशेषकर गेहूं की और जो अन्य जो मौसमी खेती है उन सभी को नुकसान हुआ है। उसके लिए कृषि विभाग को और आपदा प्रबंधन विभाग मिलकर उसका आकलन करवाने के लिए कहा है। आकलन होते ही निश्चित रूप से जो भी सहायता सरकार की तरफ से होती है वो सहायता हम लोग करेंगे। उधर बारिश की वजह से रुद्रपुर में भी किसानों को काफी नुकसान हुआ है। DM युगल किशोर बारिश से फसल को हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए पहुंचे। इस दौरान DM ने अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। DM का कहना है कि नुकसान की रिपोर्ट तैयार की जा रही है, अगर नुकसान 33% से ज्यादा हुआ तो उसे आपदा मानकर आपदा राहत के तहत मुआवजा दिया जाए। मसूरी में भी भारी बारिश के बाद लाइब्रेरी वाल्मीकि मंदिर के पास भूस्खलन है और इसी को लेकर के मंत्री गणेश जोशी मौके पर पहुंचे, भूस्खलन वाली जगह का निरीक्षण किया। गणेश जोशी ने पीड़ित लोगों से भी बातचीत की। मैं अपने SDM और यहां के कोतवाल के साथ मौके पर गया हूं और हमने होटल के मालिक से बात की है और जो भी जायज मुआवजा होगा, क्योंकि उनकी गाड़ी बुरी तरह से खत्म हो गई है, उस होटल वाले से दिलवाया जाएगा। साथ ही मैंने आज माल रोड का भी इंस्पेक्शन किया है और जो काम की गति है ठीक नहीं है। मैं SC और एक्शन को अपने साथ लेकर आया था, मैंने उनसे कहा कि इसकी लेबर कॉन्ट्रैक्टर को बोलकर इसकी लेबर बढ़ाइएगा। उधर रुड़की में किसानों ने धरना दिया है। किसानों का कहना है कि बारिश की वजह से उनकी फसलें बर्बाद हो गई हैं, मगर सरकार ने राहत के बजाय बिजली महंगी कर दी है। इसके साथ किसानों ने चकबंदी में भी करप्शन का आरोप लगाया। किसान मांग कर रहे हैं कि सरकार को किसानों को हुए नुकसान का मुआवजा देना चाहिए। आय दुगनी तो इन्होंने कहाँ करी और किसान बर्बाद होएगा, मेट होएगा। इस साल किसान की 75% गेहूं की फसल खराब होगी, उस पर कोई इन्होंने संज्ञान नहीं लिया अब तक, शासन में कोई भी इनकी आंख नहीं खुली। एक मेन मुद्दा यहाँ से हरिद्वार के अंदर, जिला हरिद्वार के अंदर चकबंदी का, जो हमारे यहाँ डिप्टी हैं, जो डिप्टी साहब हैं वे बहुत भ्रष्ट हैं, उन्होंने चकबंदी में बिल्कुल भ्रष्टाचार फैला रखा है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।